उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भगवान दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर है। अब मंदिर में श्रद्धालु तभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे जब उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। इस बात की घोषणा दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरिजी महाराज ने की है। अब हमने विशेष रूप से एक नियम बनाया, कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट जिसके पास हो और जो वैक्सीन लगा चुका है उसका रिपोर्ट देख के मंदिर में उनको प्रवेश दिया जाए, क्योंकि ये जीवन में जीवन सुरक्षित बहुत जरूरी है। जीवन सुरक्षित रखना है तो कुछ कड़े नियम जो है पालन करने के लिए हम लोग जो है समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका एक चिंतन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच अब बाराबंकी का उदाहरण दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कोविड टीकाकरण में अन्य जिलों को बाराबंकी मॉडल के रूप में अपनाने की बात कही है। इसके साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के अथक प्रयास को भी सराहा जा रहा है। CMO बाराबंकी BKS चौहान का कहना है कि गांव कस्बों में जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अब ये हम लोगों ने एक प्रयोग सोचा था तो उससे जो है बेटर टर्न आउट हुआ और लोगों का वहम और वो भी सब प्रचार प्रसार के माध्यम से दूर किया, बहुत प्रचारित किया, बहुत प्रसारित किया। सभी विभागों का सहयोग रहा, हमारे जिलाधिकारी का विशेष सहयोग रहा, उन्हीं के निर्देशन में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने संचालित किया और ये सफल हुआ। रामपुर के केमरी थाने में तैनात दारोगा अतुल पटेल अपने निजी कार से कहीं जा रहे थे। इस बीच उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, बगल की सीट पर सिपाही बैठा था, उसने मास्क लगा रखा था। दारोगा को नियम बताते हुए चालान काट दिया गया है। बुलंदशहर के एक अस्पताल में भर्ती 6 माह की बच्ची को ब्लड न मिलने से हालत बिगड़ती जा रही थी। परिवार वालों ने एक संस्था से मासूम बच्ची के लिए AB पॉजिटिव ब्लड की मांग की थी। संस्था के अनुरोध पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर शौर्य कुमार देर रात अस्पताल पहुंचे और ब्लड डोनेट किया, जिसके बाद परिवार वालों ने इंस्पेक्टर शौर्य कुमार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही अन्य लोग भी इंस्पेक्टर के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में GSVM मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई थी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हिदायत दी थी। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए हैलट अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या 650 कर दी जाएगी। इसके साथ ही हैलट को प्रतिदिन 30,000 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। बच्चों के लिए 100 बेड का PICU की तैयारियां की जा रही हैं।